जब भी आप बात करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की किसी भी किसी भी प्रोडक्ट की तो सबसे पहला सवाल आपके ब्रेन में जो आता है वो होता है कि बायर कैसे मिलेगा बायर कैसे मिलेगा और बायर मिल भी गया तो कंपलाइंस क्या है डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए ये तीन सबसे मेन हडल है मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करते हैं और मैं आज आपसे बात करूँगा राइस एक्सपोर्ट की जैसे कि आप लोगों को पता है इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है और लास्ट ईयर इंडिया ने मोर देन सेवेंटी थाउजेंड करोड़ का राइस एक्सपोर्ट किया था जो कि आगे जाके बढ़ने ही वाला है तो मैं आज आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने स्टार्ट किया था एज अ राइस एक्सपोर्टर और आज उनकी एक खुद के एक सेपरेट कंपनी है जिसके अंडर वो दूसरे राइस एक्सपोर्टर्स को और एक्सपोर्टर्स को हेल्प करते हैं टू गेट इन द बिजनेस ऑफ राइस एक्सपोर्ट्स फ्राम गेटिंग द बायर फ्रॉम गेटिंग द ऑर्डर कंप्लाइंस डॉक्यूमेंटेशन एंड टू एंड हैंड होल्डिंग करते हुए वो आपको पूरा राइस एक्सपोर्ट के बारे में बताते हैं और एक्सपोर्टर बनाते हैं तो मैं आज आप लोगों से मिलवाना चाहूँगा धनराज को जो कि आज हमारे साथ ये पॉडकास्ट में मौजूद हैं और वो आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने राइस एक्सपोर्ट शुरू किया था और उनका जो दूसरा वाला फर्म है पी डब्ल्यू आई पी उसके अंडर वो किस तरीके से दूसरे एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर रहे हैं राइज एक्सपोर्ट करने में इस बिज़नेस के अंदर एंटर करने में फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम कंप्लाइंस सारी चीज़ें फ्रॉम जीरो टू टॉप आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप राइज एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जर्नी पी डब्ल्यू आई पी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं तो वेलकम धनराज ग्लोबल व्यापार में थैंक यू तो सबसे पहले मेरे को आप ये बताइए कि आपने स्टार्ट किया था एज़ अ राइज एक्सपोर्टर राइट एज़ अ राइस एक्सपोर्टर आपने स्टार्ट किया तो जब इनिशियली आपने राइस एक्सपोर्ट स्टार्ट किया तो फर्म का नाम क्या था और किस तरीके से फिर आपने डिसाइड किया कि मेरे को राइस एक्सपोर्ट करते करते अब दूसरे लोगों को भी एक्सपोर्टर बनाना है जो कि इस राइस एक्सपोर्ट के बिज़नेस में आना चाहते हैं क्योंकि अभी जो है इंडिया वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर है राइस का और जो भी इस बिज़नेस में है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिसाइड्स राइस कोई और प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो उनको जब वो बात करते हैं कि मुझे यू में एक्सपोर्ट करना है या सिंगापुर में एक्सपोर्ट करना है या मलेशिया में एक्सपोर्ट करना है तो उन लोगों को एक प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो आता ही आता है वो है राइस का बट क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि राइस क्योंकि राइस एक कमोडिटी में आता है तो उनको सीधा ऑर्डर आता है दस कंटेनर्स का पाँच कंटेनर्स का तो वो छोटे लेवल पर स्टार्ट नहीं कर सकते जब छोटे लेवल पर स्टार्ट नहीं कर सकते तो इन्वेस्टमेंट भी कहीं पर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और जब इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है तो उस इन्वेस्टमेंट का लॉस होने का डर भी बड़ा हो जाता है तो आप लोग किस तरीके से हेल्प करते हैं एक्सपोर्टर्स को टू गेट इन टू एक्सपोर्ट और किस तरीके से आप सारी चीजें कर रहे हैं अपने पीडब्ल्यूआईपी आई पी फर्म के अंडर में ये सारी चीजें आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज राइट तो जब हमने पहले शुरू किया था कॉल्ड मोगवाया फूड्स और हमने नॉर्मली एज अ राइस एक्सपोर्टर शुरू किए थे हमने uh, Uh, गोंदिया बोल के महाराष्ट्र से हम चावल खरीदते थे एंड वी यूज टू एक्सपोर्ट इट टू सिंगापुर व्हेन एक्चुअली वी आर डूइंग दिस प्रोसेस जब हम ये कर रहे थे तो uh, बहुत बार हमको ऐसा लगा कि फॉर एग्जांपल सिंपल सिंपल रीज़न एक uh, प्राइ, uh, प्राइस जो होता है चावल का uh, हमको मिल मिलर्स को फोन करना होता है कि आज का क्या रेट है क्योंकि हमको पता है कि अगर मुझे बायर से कन्फर्म करना है ये डील तो मुझे प्राइस तो चाहिए तो बायर प्राइस तो मिलर uh, प्राइस तो देते थे बट uh, एक बार दो बार चा, चार या पांच बार के बाद उनको ऐसा लगता था कि ये सिर्फ प्राइस ही मांग रहे हो रेट धंधा तो करते नहीं हो uh, तो फिर फ़ोन नहीं उठाते थे exactly. ये सब प्रॉब्लम्स uh, जो थे सो देन आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अगर मैं एक्चुअली चावल खरीद रहा हूँ एक्चुअली एक्सपोर्ट के लिए अगर मैं इस ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो जो न्यू एक्सपोर्टर्स है जो एक्सपोर्ट्स के करना चाहते हैं तो उनको तो कोई एंटरटेन नहीं करेगा राइट right? एक्जैक्टली exactly. तो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा और बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे दूसरे वीडियोस देखे हैं एक्सपोर्टर्स के मतलब जो ट्रेनर्स हैं आज के डेट में एक्सपोर्ट के बारे में सिखाते हैं तो वो जनरली ये कहते हैं कि आप कोटेशन लीजिए सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से और आगे उसमें थोड़ा सा अपना प्रॉफिट ऐड करके दे दीजिए बट जब भी आप किसी बिजनेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो ये बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा हो जाता है आप एक सप्लायर से आप ऐसा तो नहीं है कि एक बायर आपके पास आया और आपने उसको कोटेशन दिया वो फाइनल हो जाएगा नहीं होता दस में से एक बायर या बीस में से एक बायर आपका फाइनल होगा तो जब आप बीस बार सामने वाले मैनुफैक्चर से कोटेशन लेते हैं ना तो ना तो मैनुफैक्चर के पास इतना टाइम होता है और ना वो आपको एंटरटेन करेगा बार बारी एग्जैक्टली लाइव जो अपडेटेड प्राइस है उसको देखे या तो वो पुराना सेट प्राइस जो है वो आपको फॉरवर्ड करता रहेगा या तो आपको ऐसा प्राइस फॉरवर्ड करेगा जिसके ऊपर आप मार्जिन जोड़ेंगे तो आपका डील कभी क्लोज ही नहीं होगा सो so, ये एक पॉइंट अब बहुत सही होने वाला है तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना पूरा बताएंगे कि किस तरीके से पीडब्ल्यूआईपी पी आपको हेल्प करने वाला है इस मामले में तो right. उसके बाद क्या हुआ था फिर आपका जब आपने ये शुरू किया मतलब आपको आइडिया है कि आप मेरे को पीडब्लू आई पी स्टार्ट करना है तो आपने स्टार्ट किया एज अ राइस एक्सपोर्टर yes. और राइस एक्सपोर्टर में जो आपको प्रॉब्लम आई तो आप लोगों को लगा कि दूसरे राइस एक्सपोर्टर्स को या जो इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है Correct. तो वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट था पीडब्ल्यू आई पी को स्टार्ट करने का तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने राइस ही एक्सपोर्ट करने का क्यों शुरू किया मतलब राइस ही और भी बहुत सारे कमोडिटीज़ मार्क, हैं मार्केट में इवन कमोडिटीज को हटा के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपका जेमसन ज्वेलरी है आपका इंडस्ट्रियल गुड्स हैं जो कि टॉप एक्सपोर्ट्स कैटेगरी में आता है इंडिया में तो इसको छोड़कर राइस को क्यों चुना ये एक्चुअली मेरा थोड़ा बहुत पास्ट एक्सपीरियंस से आता है टू uh, थाउजेंड में मैंने एक बार सी फूड बिजनेस किया था तो ये जो कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे सी फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब बहुत हाईली पेरिशेबल होते हैं राइट hmm. right? तो अगर आपने आज खरीदा है तो आपको कल तक उसको बेचना पड़ेगा ही hmm. uh, hmm. तो ये मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आया था कि uh, और, और हर कोई जब जब अपना बिजनेस शुरू करता है तो जितना हो सकता है उतना सेफ प्ले करने का कोशिश करता है सो आई वुड से राइस इज अ ब्लेसिंग अभी आफ्टर अबाउट सिक्स सेवन इयर्स

एक भी कंप्लेंट नहीं आया हाँ, क्योंकि राइस का जो आपका वो पीरियड है उसको कंज्यूम yes. करने का वो काफी लंबा होता है तो उसको आप स्टोर भी काफी लंबे टाइम तक कर सकते हो यस नॉर्मली जैसे वीविल्स बोलते हैं कीड़े जो है इंसेक्ट्स जो है आते हैं चावल में अह इस बार हमारा फ्यूमिगेशन इतना अच्छा था कि वो वो प्रॉब्लम भी नहीं आई तो मतलब इट वाज अ प्योर ब्लेसिंग अगर कोई और प्रोडक्ट होता पाँच महीने के लिए फूड प्रोडक्ट तो इफ वस, इफ इट इट फ्रोजन डेयरी तो रेफ्रिजरेशन में पूरा बिल्स आ, निकल जाते हैं सो so, ये एक डिफिकल्टी है आई गेस कि जो आपने आपको पता था कि भाई फ्यूमिगेशन अच्छा होना चाहिए नहीं तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है सो इससे रिलेटेड मेरा एक अगला क्वेश्चन होगा कि जब इनिशियली आपने स्टार्ट किया होगा राइस एक्सपोर्ट तो आप लोग को आपको क्या एक मतलब ऐसा क्या मेजर प्रॉब्लम आया होगा जिसको आपने टैकल किया और आप लोगों को लगता है कि कोई भी राइस एक्सपोर्ट करता है तो इसको ये प्रॉब्लम आ सकती है मतलब कौन से मेजर प्रॉब्लम तो एक्सपोर्ट राइस में स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि राइस इज राइस सोना मसूरी बासमती बा, मुझे बासमती चावल मिल सकता है क्या बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट लाइक दैट बी टू सी कॉन्टेक्स्ट में जब हम शॉप में जाके खरीदते हैं इट्स अ डिफरेंट थिंग वहाँ पे रोजाना बासमती से पुलाव बिरयानी बासमती हुँ. ऐसा लिखा रहता है बट इन रियलिटी क्या होता है कि बासमती में 15 फिफ्टीन वेराइटीज़ हैं एक्चुअली ग्यारह इक्कीस बासमती पंद्रह सौ नौ सुगंधा पूसा गोल्डन सेल्ला वाइट सेल्ला क्रीमी सेल्ला फिर सोना मसूरी में कावेरी सोना सोना स्टीम नल्लोर सोना बी वैसे बहुत सारे वेराइटी है सो इफ यू आर स्टार्टिंग अ राइस एक्सपोर्ट और अ राइस बिजनेस एंड यू आर सप्लाइंग टू बल्क तो फिर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ये बेसिकली साउथ इंडिया में आई डोंट नो अबाउट नॉर्थ इंडिया बट साउथ इंडिया में ये बहुत आ, आ, बहुत जाना जाता है देर इज वन बैग एंड अ ब्रैंड विच हज़ बिकम वेरी फेमस कॉल्ड बुलेट राइस इन साउथ इंडिया और उसमें जब ओरिजिनली ये शुरू हुआ था उसमें यह था कि कोलम राइस इज़ देयर इन दिस बैग कोलम एक चावल है बहुत, बहुत बढ़िया चावल है

पी डब्लू आई पी स्टार्ट क्यों क्या आपने ठीक है आपका एक्सपोर्ट बढ़िया चल रहा है आपने अब आप उसके साथ साथ अब क्या है ना कि आपने एक और अपना ब्रांच एक्सटेंड कर दिया तो उसमें आपको भी अलग से एनर्जी जाएगा टाइम जाएगा तो पी डब्ल्यू आई पी स्टार्ट करने का आपका इनिशियल स्पार्क क्या था मतलब क्यों स्टार्ट किया आपने पी डब्लू आई पी राइट सो कोविड से पहले mm -hmm. जब uh, मैं मिलर से मिलता था इम्पोर्टर्स से मिलता था एक्सपोर्टर से मिलता था तो मुझे एक बात सीधी ऐसा समझ में आया कि मिलिंग इज अ फुल टाइम जॉब वो जो मिलिंग में यू हैव टू बाई फिर प्रोडक्शन करना होता है पैकिंग लेबर्स पूरा एक फैक्ट्री है वो उसको मेंटेन करने में आपका पूरा समय निकल जाता है इंपोर्टर्स का क्या है वो इंपोर्ट करना है उनको फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो लोकल मार्केट पे तो उनका पूरा फुल टाइम जॉब है तो बीच में मुझे ऐसा लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है सेवेंटी थाउजेंड क्रोर है एनुअली राइट तो अगर चाहे तो भी एक कंपनी पूरा सेवेंटी थाउजेंड मार्केट को टैप कर नहीं सकते विच मींस हम सब के लिए बहुत बहुत रूम है सबके लिए

कि 70000 करोड़ डॉलर का यस yes, बहुत बड़ा मार्केट करोड़ों रुपए का मार्केट है और जो कि आगे जाके इनफैक्ट बढ़ने ही वाला है आगे yes. आने वाले सालों में तो ऑब्वियसली बातें ऑलरेडी बढ़ चुका है इट वाज 45000 करोड़ व्हेन व्हेन इन 2017 18 जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे ऑलरेडी hmm. 35% इंक्रीज हो चुका है आगे भी इंक्रीज होने वाले है ठीक है तो सही बात है कि अकेला एक बंदा पूरे मार्केट को टैप नहीं कर सकता yes. तो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी एक्सपोर्टर्स बने yes. आप लोगों के साथ जुड़े और तो, जो चार साल में, हम लोग चार पांच साल में जो भी हमने सीखा जो भी हमने लॉसेस हम बहुत सारे आ, बहुत टाइम हमने धक्के भी खाए यही मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे की आप किस तरीके से मतलब कौन से एस्पेक्ट में अगर एक एक्सपोर्टर आपसे जुड़ता है तो किस एस्पेक्ट में कहाँ तक आपको आप उनको हेल्प करते हैं जैसे कि हेल्प uh, के नाम पे आज की डेट में अगर मार्केट में कोई किसी ट्रेनर के साथ जुड़ता है तो वो ट्रेनर उनको ट्रेनिंग देता है कि भाई आपको ये ये वेबसाइट है इंडिया मार्ट चले जाओ या कोई और वेबसाइट है वहाँ से डिटेल निकालो उनको मेल करते रहो मेल करते रहो और आपको ऑर्डर आ जाएगा आप इससे ऑर्डर ले लो वहां मेल कर दो आपको ऑर्डर आ जाएगा तो ये बहुत ही वेक सिचुएशन है ऐसा नहीं yes, होता है yes. एक अगर बायर है बायर के पास हजारों मेल जाती होंगी yes. और एक नया बंदा एक ऐसे मार्केट में जाके कैसे ऑर्डर क्रैक करेगा बहुत मुश्किल चीज़ है बहुत डिटेल वाली चीज़ है तो आप कहाँ तक एक जो बंदा आपसे जुड़ता है उससे उस एक्सपोर्टर को किस लेवल तक और किस तरीके से हेल्प करते हैं यस yes. क्योंकि हमने खुद ये वी हैव गॉन थ्रू दिस हमने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन फीस पे किए थे ताकि हमको लीड्स मिले ताकि हमको ऑर्डर्स मिले तो हमने भी ये बहुत पहले हम जान चुके थे कि अगर हम सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्स जैसा या स्कूल uh, जैसा uh, करेंगे तो पीपल विल कम पीपल विल पे पीपल विल लर्न उसके बाद प्रैक्टिकली उनको नॉलेज आएगा ओनली इफ़ यू एक्चुअली डू एक्सपोर्ट्स तो हमने ये बहुत बहुत पहले ये क्लियर किए थे कि हम सिखाएंगे भी और हम ऑर्डर्स भी देंगे और जो ये जो गैप है बिटवीन द बायर एंड सेलर यू कैन गेट लीड्स बायर्स में जैसे मैंने बोला वो अपने इसमें बिजी रहते हैं इफ दे नो अगर कोई सप्लायर उनको मैसेज कर रहा है और सप्लायर को ये प्रोडक्ट ही पता नहीं है इसके बारे में कोई मॉइस्चर पूछ सकता है कोई ओरिजिन पूछेगा कोई प्राइस पूछेगा कोई एफ पूछेगा कोई सी पूछेगा सो इफ यू डोंट नो हाउ टू गिव प्राइसिंग इन डॉलर्स इफ यू डोंट नो वाट इज द पैकिंग हाउ टू डू क्वालिटी चेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो इट विल नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेस तो इसलिए हमने पीडब्ल्यू आई पी में क्या किया है हम बहुत कुछ कर रहे हैं जिसको एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी आते आता है सिर्फ उनको लीड्स का जरूरत है देन ओके फाइन दिस इज दिस इज वॉट वी कैन हेल्प यू विथ इफ यू वॉन्ट टू लर्न बेसिक्स फर्स्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ओके वी हेल्प देम एज वेल बट वी आर मोस्ट फोकस्ड ऑन गिविंग एक्सपोर्ट ऑर्डर दिस इज आवर स्ट्रेंथ एट द मोमेंट वी हैव लॉड ऑफ एक्सपोर्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जिनको यूएसडी में प्राइजिंग करना भी नहीं आता था बिकॉज हम एक्सपोर्ट ऑर्डर ही दे रहे हैं तो इस, इसका मतलब यह है हम उनको बायर दे रहे हैं बायर्स का बायर का ऑथेंटिकेशन और एशोरिटी दे रहे हैं ऑर्डर्स दे रहे हैं प्राइजिंग कैसे करने का यूएसडी में आपको मार्जिन कितना रखना है पेमेंट फॉलो अप हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन हम करके देते हैं लॉजिस्टिक्स, बैग्स, फॉरवर्डिंग सब हम करके पूरा हैंड होल्डिंग करके दे रहे हैं अभी ग्रेट ये तो ग्रेट है मतलब बहुत सही है आ, तो मतलब आ, कोई एक्सपोर्टर जो जिसने अब तक एक्सपोर्ट नहीं किया है वो भी आपसे जुड़ सकता है जिसने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है दूसरे प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करता है बट अब राइस एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ रहा है वो भी जुड़ सकता है जो ऑलरेडी राइस एक्सपोर्ट कर रहा है बट उसको और एक्सपैंड करना है वो भी जुड़ सकता है तो तीनों कैटेगरी को आपने कवर कर लिया है, है ना यस जो बंदा स्टार्ट करना चाहता है वो भी स्टार्ट कर सकता है जो ऑलरेडी कर चुका है वो एक्सपैंड कर सकता है राइट यस तो आप सब कुछ दे रहे हैं तो वैसे प्लेटफॉर्म्स और भी बहुत सारे हैं मार्केट में Yes. मैं नाम नहीं लूंगा किसी का yes. जो बोलते हैं कि हम आपको बायर दे देंगे आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए सब्सक्रिप्शन करिए yeah. उससे किस तरीके से अलग है ऑलरेडी आपने बता दिया तो थोड़ा और बता दीजिए कि जो प्लेटफॉर्म से उनसे आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो तो चलो आपने जो प्लेटफॉर्म से उसमें जाके आपने सब्सक्रिप्शन किया कोई ऑर्डर आया तो आया mm. एक आधे ऑर्डर आते हैं उसके बाद आप ही को करना होता है बट पी पी कैसे डीप में जाके एक्सपोर्टर को एक्सपोर्टर बनने में हेल्प कर रहा है और एक्सपेंड करने में बिजनेस को हेल्प कर रहा है करेक्ट सो so, दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि मैं एक प्लेटफॉर्म डायरेक्टरी बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे हूँ फॉर एग्जांपल आप अपने आप को लिस्ट करो बायर भी लिस्टेड है आप उनसे बात करो ऑर्डर मिलता है कि देखो ट्राई करो ये ये प्लेटफॉर्म में रहने के लिए आपका इतना फीस है ये वैसा वाला मॉडल है तो हम वैसे नहीं कर रहे हैं हम सब कुछ हम कर रहे हैं बायर को प्राइस क्या देने का है हम दे रहे हैं मिलर से प्राइस देने का है हम दे रहे हैं तो क्योंकि आप मिलर को बोलोगे कि सिंगापुर का प्राइस दे दो आपका चावल का वो उसको पता नहीं है कैसे सिंगापुर का प्राइस दें लोकल ट्रांसपोर्ट बैग्स ओशन फ्रेट ये सब जुड़ने का उसको पता नहीं है तो हम मिलर से सिर्फ उनका प्राइस उनका क्वालिटी उनका प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं कुछ और नहीं पूछते हैं इम्पोर्टर से हम सिर्फ वो कौन सा क्वालिटी खरीदते हैं कौन सा पैकिंग में चाहिए उतना ही पूछते हैं उसको प्राइस दे देते हैं फिर जाके जब एक्सपोर्टर आता है तो हम उनको फिर हम बोलते हैं कि देखो ये बायर है ये वाला चावल है ये मिल से आपको ख़रीदना है ये पैकेजिंग में आपको डालना है इतना आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा एक कंटेनर दो कंटेनर पांच कंटेनर के लिए और इसमें मैं आपको साथ हूँ मैं हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं अभी फ़िलहाल और पूरा एक्सपोर्ट हम उनको करके देते हैं ये कोई नहीं करता है आप नॉर्मली देखोगे बाकी चैनल्स जो है वो एक बार रजिस्टर करने के बाद उनके पास वो ऑर्डर्स है कि नहीं

कंप्लाइंस आप लोग बेसिकली जीरो टू टॉप आप एक एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट राइज एक्सपोर्ट करना सिखा रहे हो कर नहीं किया उसको सिखा रहे हो जो कर रहा है उसको भी सिखा रहे हो करेक्ट तो, मैं एक एग्जांपल तो, देना चाहूँगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हो और कहीं जाना चाहते हो आप कैब बुक कर रहे हो ओला कैब बुक किया आपने अगर ओला ने आपको दस कैब ड्राइवर्स का नंबर बेचते कि आपके अभी एरिया में है ये कैब ड्राइवर्स आप उनको कॉल करके अपना बुक कर लो तो वो बोलता है कि आप कहाँ पिकअप करना है कहाँ छोड़ना है कैसे पेमेंट दोगे तो फिर वो कस्टमर पूरा परेशान हो जाता है कि यार मुझे कैब चाहिए मुझे कॉल करके फाइंड आउट नहीं करना है नहीं। तो ये वह प्रॉब्लम है दूसरे प्लेटफॉर्म में अगर आपको एक सब कुछ करना है तो फिर इट इज नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया ये तो समझ गए कि आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग एक बंदे को हैंड होल्ड करवा रहे हो और पूरा एक्सपोर्ट तक उनको आप हेल्प कर रहे हो कि वो उसका एक तो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है कम्पलाइंस जो मेजर चीज है वो भी कर रहे हो आप लोग ओशन फ्रेड कोटेशन सब कुछ आप ही लोग कर रहे हो एज अ प्लेटफॉर्म अगर वो कोई एक्सपोर्टर आपसे जुड़ता है सो पी डब्ल्यू को आप कहाँ देख रहे हो अगले तीन चार सालों में क्या विजन है कि आप लोग सिर्फ राइस एक्सपोर्ट तक लिमिटेड रहने वाले हो या कुछ और कमोडिटीज में एंटर करने वाले हो एज अ विजन पी का क्या है इस टाइम पे राइट right, सो so, बहुत बड़ा विजन है हमारा एक्चुअली uh, uh, जैसे हम चावल के लिए अभी बेसिकली uh, हमको ये देखना है कि ये ये जो ट्रेड है ट्रेड में इकोसिस्टम पार्टनर्स जो होते हैं वो कौन है ये वाले इकोसिस्टम में मिलर्स ट्रेडर्स एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स होते हैं सो so, प्रोडक्ट क्या है राइस सो so, एक बार हमने राइस के लिए ये सॉल्व कर दिया हेल्प कर दिया सब इकोसिस्टम पार्टनर्स को फिर हमको वो स्केलिंग अब बहुत इजी हो जाता है जैसे पल्स स्पाइस सी फूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सो ये सब प्रोडक्ट्स में हमारा एंटर करने का प्लान है लेकिन हम वो जो बोलते हैं स्लो इज़ द फास्टेस्ट वे टू अचीव समथिंग सो हम वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग वेरी फास्ट कि हमको ये भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे एगटेक कंपनीज एग्रीटेक कंपनीज़ वो वीसी फंडिंग उठा लेते हैं, एंजल इन्वेस्टिंग फंडिंग उठा लेते हैं एंड दे गो ऑल आउट एंड अल्टीमेटली डू नथिंग लाइक मॉडल भी नहीं होता फ्रॉम डे वन राइट तो दैट इज ट्राइंग टू डू सो वी वांट टू स्केल बट एज आई द फास्टेस्ट वे टू अचीव तो वी आर टेकिंग आवर टाइम अंटिल वी स्टेबलाइज राइस क्योंकि राइस इतना बड़ा मार्केट है सेवेंटी थाउजेंड क्रोर एक्सपोर्ट इंडियन डोमेस्टिक मार्केट इज फाइव लाख रोर्स और पूरा मिला के द होल ग्लोबल मार्केट वी वांट टू हेल्प सॉल्व फॉर वियतनाम बायर्स मिलर्स फिलीपींस कंबोडिया लाओस So, all Brazil, so, बहुत सारे देशों में भी चावल बनते हैं फ्रेमवर्क तो, exactly, exactly, है yes, yes. so, मतलब बनाएंगे ठीक yes. yes. exactly, yes. है पीडब्ल्यू आई पी क्या करता है हमको पता लग गया कैसे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं ये पता लग गया अब क्या है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार नहीं हमें नहीं जुड़ना हम तो बढ़िया कर रहे हैं yes. है ना yes. हमको जैसा कर रहे हैं वैसा ठीक है हमको अभी नहीं करना तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है चलो वो yes. नहीं जुड़ रहे हैं फिर भी क्या चीजें हैं जो उन लोगों को ध्यान रखनी चाहिए उनके लिए यही एडवाइस है कि जैसे मैंने भी देखा था एक्सपीरियंस किया था ये जो बी टू बी बिजनेस है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में इट इज बहुत सारे कस्टमर्स का लॉयल्टी उतना ग्रेट uh, नहीं होता है मतलब बिकॉज देर इज़ अ लॉर्ड ऑफ ऑप्शन राइट कल उनको कुछ बेटर सोर्स मिल गया बेटर सप्लायर मिल गया बेटर ग्रेन्स बेटर प्राइजिंग मिल गया तो बी टू बी में इट इज़ ईजली दे विल स्विच टू समी एल्स सो so, वो कंसिस्टेंट ऑर्डर सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने एक्सपोर्ट शुरू किया था हमको ये नहीं पता था कि यही कस्टमर अगले महीने भी खरीदेगा हमसे क्योंकि बी टू बी में वह होता है कि हर महीने उनका रेगुलर ऑर्डर्स रहता है बट आपसे खरीदेंगे क्या वो उनको पता नहीं है तो आप एक, एक एक्सपोर्ट हाउस बहुत बार आप ये कॉन्फिडेंस में चलते रहते हो कि यार मेरा सेट है जब आप सोचते हो कि अगले महीने वो ऑर्डर भी नहीं आता है अगर किसी का सौ कंटेनर है शायद दस कंटेनर का ही ऑर्डर आपको आ रहा है। जब हम बहुत सारे बहुत सारे सारे मिलर्स के के साथ साथ जुड़ते जुड़ते हैं, हैं, तो हमको यह बहुत uh, आसान हो जाता है कि अगर कोई एक्सपोर्टर को बायर ए से ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो हम बायर बी का ऑर्डर दे देते हैं उनको. Exactly. So big people, big so कि अगर कोई बीच में बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुई बिजनेस रुका तो वी दे कैन कम टू अस वी कैन हेल्प विद ऑर्डर्स हाँ मतलब आप ये कहना चाह रहे हो एक तरह से कि जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अपना तो बिजनेस सेट है अपना बायर सेट है ये अपने से खरीदता रहेगा बट इट इज नॉट ट्रू इन द वर्ल्ड ऑफ बी टू बी बिजनेस वो yes. कभी भी स्विच कर सकता है अगर कि किसी और से उसको अच्छा रेट मिलता है यस yes. अच्छी क्वालिटी मिलती है तो दे कैन एनी टाइम स्विच सो दिस इज दीड इन जो बंदा नया एक्सपोर्ट करना चाह रहा है उसके लिए आपका क्या एडवाइस है अगर वो आपसे नहीं जुड़ता है वो कहता है कि भाई मैं तो खुद ही करूंगा yes. अपने पे पे बहुत बहुत मेरे पे लिंक्स मेरे लिंक्स हैं और को एक्सपीरियंस है मैं ये भी ट्राई करूंगा खुद से यस yes. उसके लिए क्या एडवाइस है आपका उसके लिए यही एडवाइस है कि जो आप पांच साल में कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने उसको छह महीने में करके दिखाया आपके लिए तो आप क्यों अपना वो बोलते हैं ना वाई शुड यू मनी उसके पास जाओगे तो वो तुरंत आपका बिजनेस खड़ा कर देगा वर्स आपको वही मिस्टेक दोहराना है फिर सीखना है मार खाना है फिर जाके खड़ा करना है तो आई एम सेंग यूर न्यू इन दिस बिजनेस जस्ट कम जॉन हम जो जिसके पास कंपनी रेडी होता है जैसे जी एस टी पैन आई सी अपीडा फूड सेफ्टी लाइसेंस सब रेडी होता है उनको हम बोलते हैं कि वी कैन मेक यू एन एक्सपोर्टर इन जस्ट थ्री डेज तो ऑर्डर्स रेडी है आपको सिर्फ आपका कंपनी और इन्वेस्टमेंट के साथ आना है तुरंत सिंगापुर मलेशिया वियतनाम और मिडिल ईस्ट का ऑर्डर्स आप हमारे साथ कर सकते हो पी डब्ल्यू आई पी में rain, rain. ये... तो ये आप लोगों ने जान लिया है की पीडब्ल्यू आई पी कैसे हेल्प कर रहा है अगर आप लोग खुद कर सकते हो तो खुद भी कर सकते हो कोई लोग कई लोग होते हैं मुझे पता है अभी भी मार्केट में कई सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स होते हैं नहीं भाई अपने को तो खुद ही करना है हम वन मैन आर्मी है हमको सब आता है हमको सब पता है तो वो लोग ऐसे कर सकते हो आप एडवाइस लेके और अगर आप लोगों को पीडब्ल्यू आई पी के साथ जुड़ना है थोड़ा तो टाइम रिड्यूस करना है आप लोगों को पाँच साल का, का काम छह महीने में करना है तो बैठे हैं यहाँ पे आप इनके साथ जुड़ सकते हो पीपल हु टू ट्राई एक्सपोर्टर्स उनके लिए मेरा एक मैसेज है एक्सपोर्ट्स का क्या होता है कि आई नॉर्मली वी टेल इट ऑन अवर प्लेटफॉर्म कि एक्सपोर्ट्स इज वन ऑफ द सेफेस्ट बिजनेस एनी बडी कैन डू राइट रिस्क बहुत लोग बोलते हैं रिस्क है उधर जाके रिजेक्ट होगा ऑल दिस आर आर ऑल दिस रूमर्स एंड ऑल दिस आर नॉट ट्रू इन द डोमेस्टिक मार्केट क्या होता है अगर कोई बायर को मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे मिनिमम तीस दिन फोर्टी फाइव डेज क्रेडिट देना पड़ेगा और फोर्टी फाइव डेज होने के बाद भी एक्चुअली पेमेंट तो आएगा कि नहीं आएगा और खींचेंगे वी डोंट नो एक्सपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है एक्सपोर्ट में इट इज वेरी वेरी क्लियर आप माल खरीदो वेसल में आपका कंटेनर्स विल सिट आपका बीएल कॉपी आएगा बी कॉपी आपको स्कैन करके कस्टमर को दिखाना है कस्टमर बी कॉपी दिखाते ही आपको पेमेंट करेगा वो पेमेंट के बाद आप वो बी को छुड़ाओगे आप सरेंडर करोगे आप जब तक सरेंडर नहीं करोगे तो बायर विल नॉट बी एबल टू रिलीज हिज कार्गो वो 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 कंटेनर यूएसए में ही हो सकता है लेकिन कंट्रोल आपका यहाँ है जब तक आप नहीं बोलोगे शिपिंग लाइन को माल छुड़ा दो वो बायर को नहीं देगा उसका मतलब यह है जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप सरेंडर नहीं कर रहे हो इतना सेफ है मतलब अगर बायर ने अगर आपका माल उठाया नहीं एप्सकॉन्ड हुआ फोन नहीं उठा रहा है आप माल को किसी और के साथ बायर के साथ बात करके बोलो ऐसा प्रॉब्लम हुआ है आप लेना चाहते हो क्या तो बायर्स विल डेफिनेटली वांट टू उसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं आप ईसीजीसी ईसीजीसी के थ्रू कर सकते हो यस 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 लेकिन आल्सो करेक्ट दैट्स ट्रू अगर आपको क्रेडिट देना ही नहीं है इसे में क्या होता है नॉर्मली वी गो एंड फाइंड आउट ये बायर का क्या क्रेडिबिलिटी है, है क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ तो, हुँ, very, very हुँ, तो हुँ, आप नेवर गो रॉन्ग इन एक्सपोर्ट एक्सैक्टली सो हमको पता लग गया है की पी वाई पी क्या कर रहा है किस तरीके से आप एक्सपोर्टर्स की हेल्प कर रहे हैं क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं और कैसे कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं सो so, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता है इन सब चीज़ों में क्या आता है इन आ, किसी भी बिज़नेस का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट किसी नए बिजनेस मैन के लिए जिनके पास जो भी बिज़नेस वर्ल्ड में एंटर कर ही रहे हैं उनके लिए होता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग राइस खुद से या पी के साथ जुड़ने के बाद क्या एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है फॉर एन एक्सपोर्टर राइट तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन राइस इफ यू टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ सोना मसूरी राइस अगर सोना मसूरी राइस का चा चावल का रेट कहीं थर्टी रुपीज़ के जी कुछ है एक कंटेनर में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के जीज़ या ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड के जीज़ या ट्वेंटी सिक्स राइट तो अगर आप एक कंटेनर करके उसका फिर पेमेंट फिर लेके फिर एक बार एक कंटेनर तो आपको सेवन टू तो एट लाख रुपीज़ काफ़ी हो जाता है एग्जाम्पल स्वर्णाइस और आई आर सिक्स राइस आपको फाइव सिक्स लैक्स एक कंटेनर के लिए काफी है सो यू जस्ट है बायर जो आपको बोलता है कि चलो एक कंटेनर दो बट एक कंटेनर का ऑर्डर आता नहीं, कभी नहीं आता है बट वो क्या होता है हायर द प्राइस रेंज तो फिर कस्टमर स्मॉलर quantity में खरीदते हैं okay. जैसे okay. बासमती

एक भी ऐसा एक्सपोर्टर नहीं है जिसने हमारे साथ एक एक्सपोर्ट किया है और दूसरे बार ही इज नॉट टेकन द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स सो हमारे हर एक्सपोर्टर्स रिपीटेड रिपीटेडली एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं और उनको दे आ रहा है उनको मजा आ रहा है एक्चुअली सो सेवन लैक्स टेन लैक्स बासमती है तो ट्वेंटी लैक्स दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव टू सी हाउ मेनी कंटेनर्स इज अ कस्टमर ऑर्डरिंग एंड प्लस वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ समबड़ी हैज टेन लैक्स एंड ही इज परचेसिंग राइज वर्थ ऑफ टेन लैक्स इन अ मंथ

Uh, हम हमको हमारा एक्सपीरियंस में ऐसा है कि ये पूछने वाले जो है ये कितना मार्जिन कर सकते हैं उनका एज ग्रुप क्या है टेल यू वन एग्जांपल तो अगर कोई पूछने वाले ही इज अराउंड सिक्सटी टू सेवेंटी इयर्स ऑफ एज ठीक है बिकॉज वी हैव कस्टमर्स लाइक दैट उन्होंने देखा है उनका बिजनेस के टाइम पे कि वो मोटा मोटा मार्जिन उनको देख के आदत है जब हम बोलते हैं कि एक कंटेनर, कंटेनर में आप एक दस बारह हजार कमा सकते हो चावल का तो उनको लगता है यार इतना छोटा मार्जिन मुझे करना ही नहीं है वही

तो आप कब तक जीरो में रहना चाहते हो जीरो mm -hmm. में एक्सपोर्ट uh, तो सीख लो एटलीस्ट mm -hmm. क्योंकि इज दैट माय बेस्ट टाइम इज येट टू कम कल आएगा कल आएगा भाई जस्ट स्टार्ट राइट नाउ तो हमने जब शुरू किया था, जीरो मार्जिन्स हाँ, तो जीरो मार्जिन में शुरू किए थे मार्जिन कम हो सकता है बट यू बिकेम एन एक्सपोर्टर और राइज ए कमोडिटी है तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप लोगों को जो है ऑर्डर बड़ा मिलेगा ये तो yes. उससे आपको थोड़ा ये yes. uh, मार्जिन कम है बट बिकॉज इट इज राइस इट इज कंटिन्यूसली इन डिमांड यू आर गोइंग टू गेट इट कंटिन्यूसली राइट इनिशियली मे बी जो पहला एक्सपोर्ट हो एक या दो कंटेनर का तो मे बी वो ज्यादा ना बचा पाए बट वेन मार्केट और वन शी एंटर्स और जब वो साइकिल उनका चलेगा तो बहुत तेज चलेगा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे साथ हुआ था कि वैन आई वॉज जस्ट वन पर्सन डूइंग दिस एक्सपोर्ट आई स्टार्ट विद जस्ट वन पर्सन मैंने कंपनी रजिस्टर किया था एवरीथिंग वॉज सेट और मैं बैठा था सिंगापुर में आई वॉज मीटिंग बायर्स जैसे ही मैंने बायर को मीट करके ऑर्डर ले लिया तो मैंने वहाँ से सीधा इंडिया कॉल करता हूँ mm -hmm. मैं क्या कर रहा हूँ आई एम कॉलिंग अ मिलर देखो ये मुझे चावल चाहिए ये चेन्नई में पो पोर्ट पे पहुंचाना है आपको फिर बैग वेंडर को फोन किया देखो ये वाला आर्ट वर्क है ये प्रिंट करो ये मिल पे पहुंचा दो फिर बैग पहुंचा राइस पैक हुआ चेन्नई में पहुंचा चेन्नई से मैं सी एच ए फॉरवर्डर से बात कर रहा हूँ देखो ये मेरा कंटेनर है ये मेरा कंपनी का ऊपर आप ये चढ़ा दो इसको और उसको मैं पेमेंट इंडियन अकाउंट ओ इंटरनेट बैंकिंग कहीं से भी चलता है पेमेंट कर दिया बायर को पहुंचा ऑल डॉक्यूमेंट्स केम टू बी इन ई मेल वही मैं इन्हें कस्टमर को ई मेल भी कर दिया पेमेंट भी मिल गया सो यू कैन सिट इन यू एस पे इन आप बीच में बैठ के भी एक्सपोर्ट कर सकते हो आपको प्रोडक्ट नॉलेज सपोर्ट सिस्टम है तो आप कहीं भी बैठ के भी एक्सपोर्ट कर सकते हो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि एक्सपोर्ट बिजनेस जो है बहुत ईजी बिजनेस है बहुत सेफ बिजनेस है ले, लेकिन लोगों को लोग समझते क्या है? एक टाइम पे था ये इंडिया में थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंसी कम था पॉडकास्ट तो होते नहीं थे <laughs> तो लोगों को पता नहीं था और नॉलेज इज द की और नॉलेज इज द आई विल से न्यू मनी और जो भी है नॉलेज होना बहुत जरूरी है और ट्रांसपेरेंसी पहले नहीं था ट्रांसपेरेंसी अब है तो this become has become very safe and very profitable and very encouraging to new uh, youth exporters also right so sab kuch pata lag gaya hum logo ko ki rice kaise export karna hai aap PW, as pwip aap kya provide kar rahe ho exporters ko besides everything agar pwip nahi hota आप यहाँ पे नहीं होते आप एक normal exporter होते तो exporter to exporter जो बंदा नया export करना चाहता है उसके लिए क्या tip है

आई थिंक इट इज अमेजिंग जो फीलिंग ऑफ सेंडिंग वन कंटेनर टू अ डिफरेंट कंट्री रिसीविंग पेमेंट्स इन डॉलर्स सेटलिंग इट इन आयना टू योर अकाउंट एंड पेइंग एवरीबडी फॉर ऑल द कॉस्ट एंड देन कमिंग टू नो दैट अरे इतना ईजी है एंड देन वैन यू गो टू अदर कंट्रीज यू लर्न अ लॉट यू सी अ लॉट तो ये जो एक्सपीरियंस है एक्सपोर्टर्स बहुत सारे एक्सपोर्टर्स बिकॉज मार्जिन कम है बोल के दे डोंट डू दैट एक्सपोर्ट

Yes. पहले बार में अगर आपको आपको नहीं मिल रहा मार्जिन प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो रिफंड uh, कर लोगे आपका हो जाएगा बढ़िया चल जाएगा yes. रिसेप्शन हो या कुछ भी हो खाना तो सबको खाना, सब खाना, खाना है तो राइस डिमांड विल नेवर स्टॉप फूड डिमांड सो इट्स एक्टली

जिसके बारे में मुझे पता होता है मैंने पर्सनली किया है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं अब राइज एक्सपोर्ट के गुरु ये हैं तो ही इज़ ऑन द चैनल ही इज गिविंग द नॉलेज डायरेक्टली तो आई एम नॉट सेलिंग एनी कोर्सेज और एनी थिंग इट्स प्योर नॉलेज बट इफ यू सी दिस स्पेस आई एम आई एम वेरी 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 अनहैप्पी विद फ्यू थिंग्स आई वॉच फॉर एग्जाम्पल बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है इट्स अबाउट लीड 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 लीड्स कोई भी ऑर्डर नहीं देता है hmm. और कुछ एक्सपोर्ट uh, सिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स है वो आई सी डी यार्ड में लेके जाते हैं कंटेनर <laughs> दिखाने को फ्रूट्स वाले पैकिंग होते हैं वो उसको दिखा रहे हैं और वीडियो में आके बोलते हैं टॉप टेन कंट्रीज कौन सा है ये कंट्री ये कंट्री वाई ऑल दिस बुलशिट अरे गो टू पीपल हु आर एक्चुअली गिविंग यू ऑर्डर्स बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट सिखा रहे हैं कोर्स बना रहे हैं पैसा कमा रहे हैं वी आर टेलिंग यू दैट अरे कम डू एक्सपोर्ट्स विद अस राइट वो सिखाते हैं फिर वो जाके अपना एक्सपोर्ट करते हैं आप जाके फिर आपका वो क्या सर, एक सर्टिफिकेट है। देते हैं आई मीन कम यूज यू शुड यूज आवर कॉमन सेंस वी हैव टू डू आवर फर्स्ट एक्सपोर्ट जीरो मार्जिन डू इट जस्ट लर्न इट सो दिस इज आई थिंक माई मैसेज एक्चुअली थैंक यू सो मच धनराज फॉर बींग ऑन द चैनल फॉर गिविंग सच नॉलेज टू आवर व्यूअर्स थैंक यू सो मच और इट्स माई प्लेजर थैंक यू सो मच